गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम चैप्टर 1 पे नाउन, जो आपका रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज जो बचे थे ना, क्या बचे था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचे थे ना आपका, पेज नंबर आइए देख लेते हैं क्या था। आप कलेक्टिव नाउन हो चुका था और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। ओके, तो आइए पहले एक बार रिकैप करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम समझाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो जिसमें हम फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ऑनली महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, आपका फ्रेंडशिप था, ठीक है, फ्रेंडशिप हो गया, ये हमारा क्या हुआ, इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं कि हमारा दोस्त है, उसके साथ हमारी मित्रता है। फिर नेमी हो गया, ये भी क्या है, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके साथ हमारा शत्रुता है या उसके साथ मित्रता है, वो हम देख नहीं सकते हैं, बस हम इमेजिन करते हैं कि वो हमारा शत्रु है और ये हमारा मित्र है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एग्जाम्पल में चलेंगे, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, याद रखिएगा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो आपके एडजेक्टिव से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, ए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर एक आपका वर्ब होता है क्रिया, जिसे हम डूइंग वर्ब कहते हैं और इसे हम डिस्क्राइब वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। मैं जो वर्ड को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, उसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे, वो हमारा एडजेक्टिव है, और जो डूइंग वर्ड काम करने वाले को बताता है, वो हमारा वर्ब होता है। तो हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्म करते हैं, फिर वर्ब से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। The colleges
shoulder. क्वेश्चन नंबर जे में आइए, क्वेश्चन नंबर जे में क्या कह रहा है, तो पहले की तरह आई की तरह जे में भी वही कर रहा है, ठीक है ना। कैन टिक द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको जो सही है उसे क्या करना है, टिक करना है, ठीक है ना। जैसे पहला आपको दिया हुआ है माई Thank you.
कौन है? आपको ऑप्शन में दिया हुआ है एडवाइस, या दूसरा में आपको दिया हुआ है पेशेंस। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एडवाइस लेंगे ठीक है, या फिर पेशेंस लेंगे। एक अच्छी क्वालिटी का एडवाइस भी दे सकते हैं ना। तो आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, एडवाइस हो जाएगा। पहला में एडवाइस को ठीक कर दीजिएगा, ठीक है ना। सेकेंड है द डिटेक्टिव हेल्प हिम सॉल्व द केस। जो डिटेक्टिव है मीन्स सर्च करने वाले, जो खोज करते, जो छानबीन करते हैं, वो किसकी मदद से किसी भी केस को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन निकालते हैं काइंडनेस के साथ या इंटेलिजेंस के साथ, तो इंटेलिजेंस हो जाएगा। सेकंड में आपको होगा आंसर इंटेलिजेंस। थर्ड है हमारा, कह रहा है ऑलवेज हैज फॉल, हमेशा गिर जाते हैं, किसके चक्कर में। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे होगा आंसर ट्वाइस। फोर नंबर, बीरबल मेड ही फेमस इन अकबर किंगडम। बीरबल क्या है, फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है अकबर के किंगडम का, अकबर के राज का। वो अपनी हाइट के लिए या फिर बीरबल बुद्धिमान के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, तो हाइट के लिए कौन प्रसिद्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो बीरबल थे वो बीरबल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। आंसर होगा फोर्थ में बीरबल, ठीक है ना।
जिसका हो जाएगा डी पार्ट। सेवन नंबर है डिस्कवर, जिसका हमारा क्या होगा डिस्कवरी। एट नंबर वर्ब को फिल करना है जो दिया हुआ डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्ट में, तो डिस्ट्रक्शन का क्या होगा हमारा वर्ब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाइन नंबर प्रिवेंशन, इसमें भी आपको वर्ब भरना है एक्सपेक्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का वर्ब क्या होगा प्रिवेंट। टेन नंबर इंटरफेयर दिया हुआ है, इंटरफेयर का एस्पेक्ट वन क्या होगा इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन एट है, एट में क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्स फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। मींस आपको जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उससे आपको क्या बनाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन एट तो क्या कह रहा है, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है पर मिनट, ठीक है। मिस कह रहा है अंबिका नीडेड है टीचर्स टू लीव द क्लास, मिस अंबिका को जरूरत है टीचर्स की, तो जो टीचर की जरूरत है किस लिए टू लीव द क्लास, क्लास को छोड़ने के लिए, तो परमिट का क्या हो जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन परमिशन। ठीक है ना, परमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड नंबर, आपको दिया हुआ है अराइव, तो अराइव का क्या होगा अराइवल, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर है केट, गेट का हो जाएगा हैटलेट। फोर्थ नंबर है फ्री, फ्री का होगा फ्रीडम। फाइव नंबर कह रहा है लॉन्ग और वाइड भी है, तो लॉन्ग और वाइड का पहला होगा लेंथ और दूसरा में होगा विड्थ, ठीक है। सिक्स नंबर में है एक्साइट, एक्साइट का देगा एक्साइटमेंट।
पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है? तो पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। जब अपनी किसी चीज पे जब हम राइट्स जमाते तो हमारा हुआ पॉजेसिव। हाँ, ही उसके बारे में अगर समझ लेते हैं कि पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है नाउन का, वही पर मेन है ना, मेन सर।
दिया हुआ है, ये मेन क्या है, प्लूरल है ना, तो इसका भी रूल हम क्या करेंगे, जैसे हम सिंगुलर में यूज करते थे वैसे हम प्लूरल में भी यूज करेंगे। इन्हें पॉसेसिव बनाने के लिए मेन लिख के एक्ट्रॉपिक और ये हो गया हमारा एज मीन्स मेन सर, ठीक है, कोई दिक्कत है। फिर एक और होते हैं इसमें मीन्स मान लीजिए अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन हो, ठीक है ना, तो वहां पर वैसे आप स्टॉप कैसे लगाएंगे, अगर आपके एक सेंटेंस में एक से ज्यादा पर्सन एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर मैं टॉपिक कैसे लगाएंगे, तो वहां पर जो आप टॉपिक होगा सबसे जो लास्ट पर्सन होगा उसमें हम क्या करेंगे आप टॉपिक का यूज कर देंगे, ठीक है ना। जैसे आइए देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में, जैसे राम सीता मोहन या फिर ले लिया बैग, ठीक है ना। यहाँ पर पांच टॉपिक लगाएंगे राम सीता मोहन या बल्ला, यहाँ पे हम मोहन है ना, तो जैसे सिंगुलर में यूज करते थे वैसे सबसे लास्ट पर्सन में जाएंगे और लास्ट पर्सन के पास जाने के बाद आप टॉपिक लगाएंगे और हम एस लगा देंगे, इसका मतलब हो गया राम सीता और मोहन का बल्ला, ठीक है ना, ये हमारा हो गया दोस्त हो गया। अब आइए चलते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन है एम नंबर, उसे कंप्लीट करेंगे आपका चैप्टर और क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिक्कत जब होगा वीडियो पैक कीजिएगा और पैक करने के बाद एक बार फिर से समझ लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन नेम का ही थर्ड है आंसर डायरेक्ट है, कह रहा था वुमेन्स डे से द
करने से बल मेरी डिस्पेंसिव इवन आफ्टर द डिस्काउंट Anivik packing Annu, Rima and Sanjay Jula. यहाँ पे जो तीन small persons वाले बताए थे ना, यहाँ पे संजय के बाद क्या होगा? F topic लग जाएगा. Answer आइए. Anivik. ठीक है. Packing. Annu. संजय एक्टॉपी एस ठीक है और आंसर हो जाएगा गलत ठीक है. 5, 6, 7 5 में द बॉय परदीप बॉय यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या है प्लूरल दिया हुआ है यहाँ पे हम बॉयज के बाद एक्सट्रॉपी लगाएंगे ठीक बॉय एक्सट्रॉपी बॉयज the drive okay मेरे पास और आपके दो क्वेश्चन हैं उसके बाद आपका चैप्टर हम कंप्लीट होगा सिक्स नंबर है कह रहा है वेयर इज राइट फिंगर्स कॉपी होगा कि रेस लगेगा पेंसिल बॉक्स answer I put on plus D important sorry as topic yes at by mistake ये आपका चैप्टर वन पूरे स्टार्ट नाम के साथ क्या होगा कंप्लीट हो गया ठीक है. इन सारों को क्या करेंगे फेयर कॉपी में नोट डाउन करेंगे क्लीन एंड नीट एंड क्लीन राइटिंग में और आप बी ए वन की भी अच्छे से तैयारी करेंगे जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा एग्जाम अच्छे से तैयारी करेंगे चैप्टर टू तक ही आएंगे ठीक है ना. आज के लिए इतना ही ठीक है. थैंक यू.